हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2011 में आई एक अंडररेटेड ब्रिटिश कॉमेडी स्प्लैटर फिल्म इन ब्रेड का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं एलेक्स चैंडन, और ये उनकी अब तक की लास्ट फिल्म है। जिन मूवीज में बहुत ज्यादा गोर होता है उन्हें स्प्लैटर फिल्म्स कहते हैं, जैसे कि ब्रेन डेड। ये नाम दिया था लेजेंड जॉर्ज रोमेरो ने अपनी फिल्म डॉन ऑफ द डेड को डिस्क्राइब करने के लिए। अभी के लिए इतना बहुत है, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कपल जून और क्लाइव को, जो कि आराम से बैठकर लेमोनेड पी रहे थे। जून का ध्यान जा रहा है क्लाइव के नौकर जैक पर। अब जैक उनके पास आकर थोड़ा लेमोनेड मांगता है, लेकिन क्लाइव उसे सीधा मना कर देता है। तब वो भी सीधा कुल्हाड़ी उसके मुंह पर दे मारता है। इसके बाद नंबर आता है जून का। पहले वो उसकी टांग काटता है और इसके बाद एक आखिरी वार करके उसका भी खेल खत्म कर देता है। इंट्रो से आप समझ गए होंगे कि मूवी कहाँ तक जाएगी। खैर, एक मूवी का सीन था जिसे देख रहे हैं ड्वाइट, जैब और टिम। इनके साथ है सैम और उन चारों के केयर टेकर स्केट और जेफ। ये चारों बच्चे ऑफेंडर्स हैं, यानी कि इन सब ने कोई ना कोई क्राइम किया है। जैसे कि जैफ चोरियां करता है, ड्वाइट अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता, टिम को एक अजीब शौक है बिल्डिंग्स को जलाने का, और सैम सीधा जानलेवा वार करती है भले ही कोई उससे मजाक करे। यानी कि चारों ही सरदर्द हैं और फिलहाल ये सर पे हैं केट और जेफ के। ये निमोटलिक नाम के एक गाँव में लेकर आए हैं, जहाँ पर ये वीकेंड बिताएंगे और थोड़ी समाज सेवा करेंगे। उस गाँव में गिने चुने घर हैं और साथ में एक पब है जिसका नाम है द डर्टी होल। क्या आपको याद है कि स्लॉटर लैम नाम का पब किस फिल्म में था? याद है तो कमेंट करके बता दो। खैर, पूरे गांव को पार करके उनका कॉटेज है, वो वहां पर जा रहे थे तभी सैम और टिम देखते हैं कि वहां के बच्चे एक जिंदा आदमी को टॉर्चर करके मार रहे थे, और उन बच्चों ने उन्हें भी जाते हुए देख लिया। खैर, वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब फेक था। वो अपने कॉटेज पर पहुंचते हैं जो किसी खंडर से कम नहीं था। वहां जाते ही जेफ ने सबके फोन कलेक्ट करके छुपा दिए। कॉटेज की हालत अंदर से और भी खस्ता थी, लग रहा था कि सालों से वहां कोई आया नहीं। उन्हें 3 दिन वहां पर बिताने हैं, इसलिए वो सब लग जाते हैं काम पर। घंटों तक सफाई करने के बाद वो जगह रहने लायक बन गई थी। इसके बाद वो सब जाते हैं उस पब में, और उनके अंदर एंटर होते ही लोकल्स काफी अजीब तरीके से उन्हें घूर रहे थे। ये बात अलग है कि लोकल्स खुद काफी अजीब थे। वहां का ओनर जिम उनका वेलकम करता है और वो काफी अच्छा इंसान लग रहा था। वो सब उसे खाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन वो कहता है कि खाना यहाँ पर नहीं मिलता। तब जब कहता है कि बाहर तो बोर्ड लगा है हॉट फूड का, जिम कहता है कि वो हॉट फूड नहीं बल्कि नॉट फूड है। तब वो उसे कोक लाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो भी वहां पर नहीं मिलती। जिम उनकी कैटेगरी समझ गया था, इसलिए वो खुद उन्हें लेमोनेड दे देता है, वो भी फ्री में। लेमोनेड तो आपको याद ही होगा। वो केट से थोड़ी बातचीत करता है और वो उसे बताती है कि हम कॉटेज में रुके हैं। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, फिर भी वो अपने काम से काम रख रहा था। वो सब अपनी पार्टी में बिजी थे तभी वहां पर दो अजीब से आदमी आते हैं जिनका नाम है टोबी और क्रैग। अपने साथ वो कुछ लेकर आए थे जो किसी डेड बॉडी जैसा लग रहा था। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसे वो बच्चे मार रहे थे? अब जिम उन्हें देखकर गुस्सा हो गया था और वो उन्हें जल्दी से भगा देता है पीछे। तभी सैम स्मोकिंग के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे एक और अजीब आदमी मिलता है जिसका नाम है ग्रेस। वो कुछ ज्यादा ही चेप हो रहा था, इसलिए सैम अंदर चली आती है, लेकिन वो बुरी तरह उसके पीछे पड़ गया था। तब जिम बीच में आकर उसे बाहर फेंक देता है। वो उन्हें बताता है कि डरने की कोई बात नहीं, ये सब बड़े शांत लोग हैं, बस नए चेहरों को देखकर थोड़े एक्साइटेड हैं। वो उन्हें एडवाइस देता है कि जब तक तुम अपने काम से काम रखोगे कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, और अगर कहे भी तो मेरा नाम ले देना। इसके बाद वो सब वहां से चल देते हैं और रास्ते में जेफ केट को बताता है कि जिस कॉटेज में हम रुके हैं कुछ सालों पहले उसमें पागलों को कैद करके रखते थे। साथ में टिम सैम को बता रहा है कि आखिरी बार उसने अपने स्कूल को जलाया था, लेकिन रात में, ताकि कोई बच्चा ना मरे, और सैम को ये बात कूल लग रही है। खैर, ये दिन तो ऐसे ही निकल गया। अगली सुबह वो सब निकल जाते हैं काम पर। वो चलते जा रहे थे तभी अचानक जेफ देखता है कि 3 लोग उन पर नजर रख रहे हैं। आखिर में वो पहुंच गए थे अपनी मंजिल पर, जहां उन्हें पुराने ट्रेन के डब्बों में से कॉपर कलेक्ट करना था। वहां से टूल्स लेकर वो 2 टीम्स में बट गए थे। ए टीम में है सैम और टिम और उनका ध्यान रखेगी केट। बी टीम में है ड्वाइट और जेब और उनका ध्यान रखेगा जेफ। टीम ए तो काम पर लग गई थी जबकि टीम बी डब्बों को तोड़ने में लगी हुई थी। केट एक डब्बे के बाहर बैठी थी तभी उसे अंदर से कुछ आवाज आती है, इसलिए वो पहुंच जाती है अंदर। वहां पर एक ठरकी आदमी बैठा था जो उसे देखकर भाग जाता है, लेकिन उसका पालतू फेरेट वहीं पर रह गया जिसने ऑलमोस्ट केट को हार्ट अटैक दे दिया था। इधर काम करते हुए टीम ए की नजर पड़ती है एक घर के ऊपर जहां पर आग जल रही थी। वो दोनों भागकर वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ गए थे क्योंकि वहां पर एक जिंदा बकरी को जलाया जा रहा था और कोई आराम से बैठकर उसे देख रहा होगा। इसके बाद एक और बकरी का नंबर था जिसे वो फ्री कर देते हैं, लेकिन तभी एक ट्रक आकर उसे कुचल देता है और ट्रक में बैठे हैं टोबी और ग्रेग। ये देखकर वो दोनों जल्दी से वापस भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पकड़े गए। और यहाँ हमें पता चलता है कि असली विलन है ग्रेस, जो कि पागल तो है लेकिन उतना भी पागल नहीं है। वो उन दोनों को हैरेस कर रहे थे तब केट आकर उन्हें बचाती है और बाकी सब भी वहाँ पहुंच गए थे, इसलिए वो तीनों चुपचाप वहाँ से जा रहे थे, लेकिन जेफ को बनना था हीरो। वो जबरदस्ती जाते हुए को भगा रहा था और इसी चक्कर में वो गिर जाता है एक मेटल के ऊपर जो कि सीधा उसकी थाई में घुस गया और अब उसकी फेमरल आर्टरी कट गई जिस वजह से काफी ज्यादा खून बह रहा है।
केट उन तीनों से मदद मांगती है, लेकिन वो तो हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। तो वो सब किसी तरह उसे लेकर चलते हैं और पहुंच जाते हैं जिम के पास। केट उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि एम्बुलेंस को आने में एक घंटा लग जाएगा। वो जेफ को किचन में ले जाकर लेटा देते हैं और यहाँ वो जिम को बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। इसे सुनकर वो सीधा जेफ की गर्दन काट देता है। यहाँ जिम का असली रंग दिखाई दिया और यहीं से मूवी असल में स्टार्ट हुई। वो उन सबको ले जाकर बंद कर देते हैं और जिम ग्रिस की अच्छी तरह सर्विस कर रहा था क्योंकि वो इसी का बेटा है। असल में यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। जिम को लगा कि शायद ग्रिस ने ही जेफ की वो हालत की, इसलिए ग्रिस को बचाने के लिए उसने जेफ को जान से मार डाला और अब जो बाकी सब बचे हैं उन्हें भी ये मारेंगे क्योंकि अब उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ग्रिस की सर्विस करने के बाद वो कहता है कि जाकर सबको बता दो कि आज शो होगा और जेफ की बॉडी को भी ठिकाने लगाना है। उसके कई पीस करने के बाद वो उसे ठिकाने लगाने जा रहे थे, तभी उनके पास आ जाता है रॉन और ये वेटर की आदमी है जो डब्बे में से भागा था। इस गांव के लोग इससे दूर रहते हैं क्योंकि ये कुछ अलग ही तरह से अजीब है। उधर वो सब पैनिक कर रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या गया। अब पहला काम तो यही है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जेफ को एक्सपीरियंस है इसलिए सैम से पिन लेकर वो दरवाजे का लॉक खोल रहा था, तभी वो सब वहाँ पर आ जाते हैं और जेफ को वो अपने साथ ही ले गए, यानी कि अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता। जेब को ले जाकर वो पिन कर देते हैं ग्राउंड में क्योंकि सबसे पहला शो इसी का होगा। काफी अच्छा काम किया और तो इसके पूरी तरह पिंड है। उधर जिम भी तैयार हो रहा है क्योंकि शो को होस्ट वही करेगा और जेफ के सर को इसने परमानेंट रख लिया। तैयार होकर वो शो में पहुंच जाता है और गांव के लोग भी काफी एक्साइटेड थे, इतने कि वो मुंह धोना भी भूल गए। खैर शो स्टार्ट होता है और सभी काफी खुश थे क्योंकि ग्रिस एक अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर जेब को टॉर्चर कर रहा था, वो भी सब्जियों से। इसके बाद एक हॉर्स को वहां पर लाया जाता है जो कि पहले तो उसकी सब्जियां खाता है और उसके बाद उसे जैप के ऊपर घुमाया जा रहा था। ऐसे चलते फिरते उसने काफी डैमेज कर दिया था और आखिर में वो जैप का काम निपटा देता है उसके सर पे पैर रखकर। ऑडियंस का तो पैसा वसूल हो गया था जो कि किसी ने भी नहीं दिया, ये शो फ्री है। इसी बीच रॉन भी वहां पर पहुंचता है लेकिन कीड़े खाने वाला गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता। उधर टीम ने ट्राई करके दरवाजा खोल लिया था और वो सब चुपचाप वहां से निकल रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है ग्रेस। ड्वाइट सीधा उस पर अटैक कर देता है और मौके का फायदा उठाकर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। ड्वाइट भी निकल जाता अगर गार्ड उसे ना रोकता। अब ग्रिस उन तीनों के पीछे चल देता है और ड्वाइट को वो ले जाते हैं शो के लिए, उसे तैयार करके बैठा दिया गया था। इसके बाद उसके अंदर तेल भरना शुरू करते हैं और तब तक भरते जाते हैं जब तक उसकी आंखें बाहर नहीं आ जाती और पेट फट नहीं जाता। इसमें दिखाए गए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स काफी ज्यादा सही हैं। उधर वो तीनों भाग कर पहुंच गए थे वैन तक, लेकिन चाबी उनके पास नहीं थी। तब टीम उसे हॉट वायर करके स्टार्ट करता है और फाइनली वो तीनों वहां से निकल रहे थे, लेकिन तभी फिर से उनके सामने आ जाता है ग्रेस जो कि वैन के ऊपर फायरिंग कर रहा था। पहले तो वो डर के मारे रुक जाते हैं लेकिन मौका देखकर वो उसे उड़ा देते हैं। केट ने उसकी शॉटगन उठा ली और साथ में थोड़ी गोलियां भी। अब वो निकल रहे थे लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है रॉन और उसने भी अपनी शॉटगन तान ली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसका चेहरा उड़ जाता है और उसे उड़ाया है केट ने। वो कोई फालतू की बकवास नहीं चाहती। इस वक्त ये मूवी एकदम अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। वो तीनों वहां से निकल जाते हैं उस फेरेट के लिए खाना छोड़कर। उधर जिम को पता चलता है कि वो तीनों भाग निकले, इसलिए वो भी अपने ग्रुप के साथ उनके शिकार पर निकल जाता है जिसमें एक सस्ता लेदर फेस भी है। वो वैन के सामने पहुंचकर उसे रोक रहे थे लेकिन वो नहीं रुकती और चार पांच तो यहीं पर प्लेन हो गए। वो देखते हैं कि वैन के अंदर तो कोई है ही नहीं, ये एक चाल थी। वो तीनों भाग कर पहुंच गए हैं कॉटेज पर अपने फोन और मैप ढूंढने। हर एक रूम चेक करने के बाद उन्हें मैप तो मिल गया था लेकिन फोन नहीं मिले। तब केट शेड में चेक करने जा रही थी लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे मिलता है जिम। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है लेकिन जिम ने गोली चलाकर उसके हाथ का बुरा हाल कर दिया। वो सब बाहर इंजॉय कर रहे थे तब टीम चलाक से उनमें से एक का दिमाग उड़ा देता है, लेकिन तभी गन खाली हो गई थी। वो केट के पास जाता है और गोलियां लेने, इतने में एक अंदर एंटर हो रहा था लेकिन अंदर उसका वेलकम करती है केट उसे स्टैप करके। टीम उसे वापस बाहर धकेल देता है। अब जिम उसे अंदर जाने के लिए कह रहा था और टीम दूर जाने के लिए, वो बीच में ही फंस गया। इधर जाएगा तो भी मरेगा और उधर जाएगा तो भी। यहाँ जिम की नजर सैम पर पड़ती है जो कि विंडो से झांक रही थी। वो उसकी तरफ गोली चला देता है और इसके जवाब में टीम शूट कर देता है उस आदमी को और रिस्पॉन्स में वो भी सेम यही करता है, इसलिए उसके दो टुकड़े हो गए। अंदर टीम सैम के चेहरे में से कांच निकाल रहा था और ये देखकर केट को काफी दुख हो रहा था क्योंकि उनकी वजह से ये बच्चे फंस गए। उन्हें बचाने के लिए वो बाहर निकलकर भागने लगती है ताकि वो सब उसके पीछे आए, लेकिन वो तो चुपचाप उसे जाते हुए देख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे एरिया में बियर ट्रैप्स बिछे हुए हैं जिनमें से एक में केट का पैर भी फंस गया। अब सस्ता लेदर फेस जाता है उसे फ्री करने और सीधा जाकर उसका पैर काट देता है। अब वो रेंग रेंग कर वहां से निकल रही थी और वो उसे जान से नहीं मार रहे क्योंकि उनकी शर्त लगी है कि वो कितनी दूर जा पाएगी। इतने में वो ट्राई कर रही है, वो सब पहुंच जाते हैं ग्रिस की बॉडी के पास और सेलविदा कहकर वो वापस भी आ गए, लेकिन केट अभी तक कहीं भी नहीं पहुंची, इसलिए वो खुद उसे ऊपर पहुंचा देते हैं। इसी बीच सैम को गन देकर टीम जाता है बेसमेंट में जहां पर ढेर सारी वोडका रखी थी और टीम का फेवरेट काम तो आपको पता ही है, बिल्डिंग्स को जलाना। उन सबको फंसाकर वो बेसमेंट में ले आता है और उनके नीचे जाते ही सैम वहां से भाग गई थी। टीम के हाथ में एक मोलोटोव थी। काफी डायलॉग मारने के बाद वो उसे जला रहा था लेकिन वो जली नहीं रही। तब जिम उसे बताता है कि इनके अंदर इतनी अल्कोहल है ही नहीं कि जले।
यहाँ टिम समझ गया था कि वो तो गया, वो सब मिलकर उसे भी मार देते हैं। सैम ने भी उसकी चीखें सुन ली थी, वो भागे जा रही थी लेकिन वो उसके पीछे भी नहीं जाते क्योंकि वहाँ बियर ट्रैप्स के साथ साथ लैंड माइंस भी बिछी हैं। सैम का पैर एक माइन पर पड़ जाता है और अब जैसे वो पैर हटाएगी उसके चिथड़े हो जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पहुँच जाता है वो फेरेट। अब आप सोचोगे कि जमीन खोदकर ये माइन को डिफ्यूज कर देगा या फिर खुद माइन पर आकर इसे बचा लेगा, लेकिन अपने मालिक की तरह वो भी एकदम बेवकूफ है। वो सैम की पैंट में घुस जाता है जिस वजह से वो पैर उठा देती है और उसके चिथड़े हो जाते हैं। कुछ इस तरह उस गांव में एक और नॉर्मल दिन बीत गया और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो मूवी डार्क ह्यूमर और गोर से भरी पड़ी है, मोस्टली इसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स थे, सीजीआई ना के बराबर थी, इसलिए इतनी इफेक्टिव है और इसलिए बनी 1.2 मिलियन यूरोज में, जो कि इसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता। इफेक्ट्स पर काफी पैसे खर्च हुए जबकि स्टोरी और प्लॉट वही यूजुअल था, लेकिन कुछ डेथ्स एकदम अचानक हो गई, यहाँ तक कि मेन कैरेक्टर्स की भी, ये भी एक खास बात थी। ये मूवी नॉर्थ यॉर्कशायर के थर्स नाम के टाउन में बनी है, लेकिन वहाँ के लोग भी इससे खुश नहीं थे। मेयर का कहना था कि इससे उनके टाउन पर एक धब्बा लग जाएगा, हर कोई ये सोचेगा कि शायद ये टाउन सच में ऐसा ही होगा, ऐसी पब्लिसिटी हमें नहीं चाहिए। तब डायरेक्टर ने मेयर को यकीन दिलाया कि एक कॉमेडी मूवी है और तब जाकर वो राजी हुए। मूवी के एकदम एंड में उन सबके लिए एक स्पेशल मैसेज भी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए, और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपसे आकर मिल जाए उस फेरेट की तरह। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।